हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बकायदा कई दिनों से गोरखपुर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कमेटियों की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनकी यात्रा सहूलियत के साथ हो। इसी तहत एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन रेलवे स्टेशन स्थित मुसाफिर खाने में किया गया जिसमें 400 से भी ज्यादा लोगों को हज यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पहली बात तो अपना कमाल ना समझें, अपना कमाल ना समझें, अल्लाह की तौफीक समझें। और जो एक सहाबी चलता फिरता इस्लाम था और हम अगर मुसलमान बन जाए तो अल्लाह का करम उसका एहसान है, सिर्फ मुसलमान बन जाए वो तो चलता फिरता इस्लाम। इस ट्रेनिंग कैंप के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए हज के ट्रेनर मोहम्मद इरफान उल्लाह ने बताया। मुकाम पर कहाँ क्या करना है, शुरुआत घर से सफ़र शुरू जो करते हैं वहाँ से ले करके वहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और जितनी उनकी ज़ियारत की जगहें हैं सब पर वो जाते हैं ताकि जो है आसानी, ये आसानी के लिए उन्हीं के हाजियों के आसानी के लिए यहाँ ये कैंप हम लोग लगाते हैं और हम लोग की मदद करता है हज मिशन ऑफ इंडिया। वरिष्ठ पुलिस